हेलो एवरीवन, ऋतुराज 97 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। और अभी हम है बलेनो गाड़ी में। तो आज हम ये बलेनो गाड़ी की जो एसी सिस्टम है, मतलब क्लाइमेटिक कंट्रोल वगैरह, तो उसके कंट्रोल्स किस प्रकार है, कैसे आपको करने हैं वो हम बताएंगे आपको। तो ये डेल्टा वेरिएंट है दोस्तों। पर अगर आप टॉप मॉडल, मतलब जो अल्फा होता है या फिर सेकेंड मॉडल होता है जो जेटा होता है, उसमें भी अगर आप देखो तो आपको क्लाइमेटिक कंट्रोल ऐसा ही मिलता है एसी वगैरह। तो इसमें क्या क्या है वो मैं दिखा दूंगा पहले आपको। पहले आप देखिए दोस्तों, ये है गाड़ी का टेम्परेचर। अभी जो गाड़ी का टेम्परेचर है एसी का, वो 23.5 है। और एसी लगाई है तो एसी भी दिख रही है। और ये फैन है। तो इसमें आपको क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं ये क्लाइमेटिक कंट्रोल में। तो पहला तो ये है एसी। अभी आप देख सकते हैं एसी के यहाँ पर ये ऑरेंज लाइट ऑन हो रही है। इसका मतलब यह है कि एसी ऑन है। अगर मैं ये बंद कर दूँ तो आप देखिए ऑरेंज लाइट बंद हो गई। इसका मतलब यह है कि गाड़ी में अभी एसी नहीं चल रहे, खाली जो फैन रहता है, मतलब जो ठंडी हवा आती है, गाड़ी कूल नहीं होती लेकिन ब्लोअर की हवा आती है तो वो चलती है। तो आप इस प्रकार भी, अगर आपको एसी नहीं चाहिए तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एसी चाहिए तो आप ये दबा सकते हो, प्रेस कर सकते हो बटन, और इस पर ऑरेंज लाइट लगेगी, मतलब गाड़ी की एसी अभी चालू है, मतलब ठंडी हवा आएगी। तो ये हुआ। इसके बाद बात करेंगे ये मोड की। तो इस पर आप देख सकते हैं, इसमें आपको दिखाया, मतलब ये अभी एरो नीचे जाता है पैरों के पास और ये जाता है हमारे सिर के पास, और ये गाड़ी का डैशबोर्ड का ब्लोअर दिखाया। तो इसका मतलब यह है कि इसमें आप मोड सेट कर सकते हो। आपको पता ही होगा दोस्तों कि गाड़ियों में जो कूलिंग होता है हमारे एसी का, वो आपको इधर तो ऑब्वियसली सभी गाड़ियों में दो वेंट्स होते हैं। कुछ गाड़ियों में एसी वेंट होता है, वो म्यूजिक प्लेयर से ऊपर रहता है, कुछ गाड़ियों में नीचे रहता है। और इस गाड़ी का अगर आप देखो तो आपको यहाँ दो वेंट्स मिलते हैं, वहाँ एक वेंट मिलता है और यहाँ एक वेंट मिलता है। तो आपको अगर एसी खाली यही चार वेंट्स से चाहिए तो आप इस पर एडजस्ट कर सकते हैं। बाद में आपको यहाँ पर एसी नहीं चाहिए तो आप यहाँ से भी एसी ले सकते हैं। आपको हर गाड़ी में ऐसे दो वेंट्स दिखेंगे, आप देख सकते हैं ये एक वेंट है और एक वेंट है। इधर से भी दोस्तों एसी आती है। और जो ड्राइविंग सीट और को ड्राइवर का जो सीट होता है, वहाँ पर नीचे वेंट्स होते हैं दोस्तों। अगर हम नीचे का वेंट ऑन करें, मतलब ऑन करें और यहाँ पर पैर रखें, तो गाड़ी के हवा जो है वो यहाँ पर पैरों पर लगती है। तो आपको कौन सा मोड चाहिए वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। और कुछ गाड़ियों में पीछे भी एसी वेंट होता है। अभी हम ये गाड़ी में आपको दिखाएं तो ये गाड़ी में नहीं है। तो आजकल की जो ज़्यादातर दोस्तों एसयूवी गाड़ी या फिर सीडान गाड़ियाँ होती है, उनमें ये फीचर आपको मिलता है दोस्तों। मतलब पीछे एसी वेंट होता है, इधर होता है दोस्तों, ताकि पीछे जो लोग बैठे हैं उनको भी कंफर्टेबली ठंडी हवा पहुंच सके और गाड़ी की कूलिंग जल्दी होती है। तो मोड जो रहता है वो आप किस प्रकार सेट कर सकते हो, तो एक बार मैंने अभी प्रेस किया, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर जो सीटिंग पोजीशन है वहाँ पर, यहाँ पर ब्लोअर के एरो है, मतलब अभी जो कूलिंग हो रही है वो ब्लोअर से हवा आ रही है। अगर मैं यहाँ पर हाथ रखूँ तो मुझे यहाँ पर ठंडी हवा आ रही है और यहाँ से पूरी हवा बंद हो गई, मुझे अभी यहाँ पर हवा नहीं आ रही। तो और एक बार मैं अगर ये प्रेस कर दूँ तो अभी देखिए अभी एरो यहाँ पर है। इसका मतलब यह है कि आप देखिए अभी मुझे ठंडी हवा आ रही है। तो ये जो चारों वेंट्स है, यहाँ से एसी आ रही है, वो वेंट से बंद हो गई और नीचे के वेंट से बंद हो गई। अगर मैं ये और एक बार प्रेस करूँ तो आप देखिए अभी यहाँ पर भी एरो है, नीचे है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये जो चार वेंट्स है, यहाँ से भी एसी आएगी और जो नीचे जो दो वेंट्स है, मतलब पैरों के जहाँ पर हम पैर रखते हैं गाड़ी में, तो अभी देखिए आप मैंने क्लच पर यहाँ पर पैर रखा है तो ठंडी हवा आ रही है दोस्तों। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि दोनों वेंट्स आपको एसी मिल रहा है। अगर और एक बार हम प्रेस करें तो खाली नीचे से हवा है। आप देखिए यहाँ पर एरो में नीचे दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि ये वेंट से हवा आना बंद हो गई, सिर्फ आपको नीचे ही ठंडी हवा मिलेगी। और एक बार हम प्रेस करें तो फिर से जो डैशबोर्ड के वहाँ पर वेंट है वहाँ से। तो हम ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पर ही रखते हैं पैर के वहाँ, जब चाहिए जब गर्मी वगैरह होती है तो हम पैर के वहाँ पर वो वेंट भी ऑन कर सकते हैं। तो ज़्यादातर हम यही वेंट से एसी लेते हैं। तो ये हुआ। ये बटन है दोस्तों ऑटो मोड। इसका मतलब यह है कि जब आप गाड़ी में बैठो और आप जब गाड़ी चालू करो तो जो बाहर का टेम्परेचर रहता है दोस्तों गाड़ी का, वो अलग रहता है और गाड़ी के अंदर अलग रहता है। और जब आप बाहर वगैरह गाड़ी की गर्मी रहते हो और आप गाड़ी में जाके बैठते हो तो आपको धूप वगैरह रखती है बाहर दोस्तों, और गाड़ी में आने के बाद आपको कूलिंग चाहिए होती है। तब जब आप गाड़ी चालू करोगे और आपको एसी लगानी है, जब आप ये ऑटो मोड प्रेस करोगे तो यहाँ पर ऑटो आ जाएगा और बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसके हिसाब से आपको गाड़ी में कितनी कूलिंग चाहिए ऑटोमेटिक सेट होती है इसमें। और ऑटो दबाने के बाद आपको कितना टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए वो ऑटोमेटिक सेट होता है, मतलब आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं। तो ये होता है ऑटो मोड। और अगर आपको एसी बंद करनी है तो ये होता है ऑफ बटन। अगर मैं ये दबाऊंगा तो एसी बंद होगी। अब देखिए अभी गाड़ी की एसी बंद हो गई। अगर आपने ये बटन बंद किया तो ये जो ब्लोअर चल रहा है वो भी बंद होता है। मतलब देखिए अभी एसी चल रही है तो मैं अगर एसी बंद करूंगा तो एसी तो बंद हो गई पर ब्लोअर से हवा आ रही है। पर अगर आप ये ऑफ करोगे तो पूरा ब्लोअर भी बंद हो गया। अभी ब्लोअर से भी हवा नहीं आ रही है और एसी भी नहीं आ रही। तो अभी हम फिलहाल एसी चालू रखेंगे। और ये बात करें तो ये ऑलवेज हम ऐसे ये मोड पर रखते हैं दोस्तों, ताकि अंदर की जो हवा है वो सर्कुलेट हो जाए अंदर, ठीक है। तो ये कंट्रोल्स हो गए। तो बात करेंगे अभी ये जो है दोस्तों,
ये अंदर का जो फैन है उसकी स्पीड कितनी चाहिए वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बड़ा फैन का सिंबल है, यहाँ पर छोटा, इसका मतलब यह है कि यहाँ से स्पीड इंक्रीज होगी, यहाँ से स्पीड डिक्रीज होगी। आपको फैन की सिंबल दिख रही है तो यहाँ पर आपकी इंक्रीज और डिक्रीज शो होती है। अभी आप देखिए, मैं अभी पहले डिक्रीज करूंगा तो देखिए आप डिक्रीज हो गई और मिनिमम एक पर होती है। और अगर हमें ब्लोअर की स्पीड बढ़ानी है तो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर कितना बढ़ता है, देखिए मैक्सिमम इतना तक हो जाता है। तो ये रहा ये कंट्रोल दोस्तों। बाद में ये जो है, यहाँ से आप टेम्परेचर गाड़ी का एडजस्ट कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर रेड और यहाँ पर ब्लू दिख रहा है, इसका मतलब दोस्तों रेड है मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, मतलब गर्म होता है, और यहाँ से आप डिक्रीज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि गाड़ी का मैक्सिमम गर्म कितना टेम्परेचर है और कूल कितना है। तो पहले मैं गर्म दिखा दूंगा टेम्परेचर आपको, मतलब हॉट टेम्परेचर। तो हम इससे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। आप देखिए टेम्परेचर डिजिटल में यहाँ पर बढ़ रहा है, 24.5 हो गया, 5.5 में बढ़ रहा है, 27, 28, 29, 30। अभी दोस्तों गाड़ी में गर्म हवा रही है और देखिए H1 मतलब वेरी हाई। तो कितना है टेम्परेचर देखिए, 32 डिग्री सेल्सियस। तो 32 के ऊपर दोस्तों टेम्परेचर नहीं जाता। तो इसका मतलब यह है कि ये गाड़ी में दोस्तों आपको मैक्सिमम 32 डिग्री सेल्सियस ये हाई टेम्परेचर मिलेगा। अब बात करेंगे लोअर टेम्परेचर की, तो हम टेम्परेचर नीचे करेंगे गाड़ी का, कितना मिनिमम टेम्परेचर आता है वो देखेंगे। तो लो, तो इसके पहले कितना, 18। सो मिनिमम टेम्परेचर है दोस्तों 18 डिग्री सेल्सियस। तो इसके नीचे आपका टेम्परेचर गाड़ी का नहीं जाएगा, लो है मतलब सबसे लो। तो ये रहा टेम्परेचर। और ये जो दो बटन्स है दोस्तों, ये भी आपका एसी का वेंट एडजस्ट करने के लिए है, मतलब आपको किधर से एसी चाहिए। अभी आप देख सकते हैं इधर फ्रंट लिखा हुआ है और इधर रियर लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब आप ये प्रेस करोगे तो डायरेक्टली जो ये है आगे वाले जो वेंट्स है, ये वेंट्स है, इधर से डायरेक्ट एसी आ सकती है। तो आप ये इधर ये मोड पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। और ये रहा रियर, मतलब यहाँ पर अगर आप प्रेस करो तो रियर का जो वेंट है उधर से भी एसी आएगी। तो ये था दोस्तों क्लाइमेटिक कंट्रोल और एसी सिस्टम मारुति सुजुकी बलेनो डेल्टा वेरिएंट का। तो इसमें हमने आपको बताया कि क्या क्या आपको एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं और क्लाइमेटिक कंट्रोल वगैरह कैसा मिलता है, मैक्सिमम और मिनिमम कितना टेम्परेचर सेट होता है गाड़ी में वो भी आपको बताया। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक भी मार सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और मेरा चैनल ऋतुराज 97 आप सब्सक्राइब मार सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऑटोमोटिव कंटेंट बनाता हूँ, ट्रेवल व्लॉग्स भी ऐड करता हूँ, और मेरे व्लॉग्स जनरली दोस्तों हैवी व्हीकल्स पर भी होते हैं, और नई जो गाड़ी आती है उनके मैं कार परफॉर्मेंस वगैरह आपको दिखाता हूँ टेस्ट ड्राइव मार के, और हिंदी में रिव्यूज भी होते हैं। तो आप मेरे चैनल पर मेरे बाकी के व्लॉग्स भी देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।